गाइस कैसे हैं यार आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स आपने मेरे वीडियो के स्टार्टिंग पर जिस तरीके का वीडियो देखा ओल्ड मैन वाला, सो फ्रेंड्स इस तरीके का वीडियो अभी इंस्टाग्राम के रील्स पर काफी ज्यादा वायरल चल रहा है। और अगर आप इस तरीके का वीडियो बना के अगर इंस्टाग्राम के रील्स पर अपलोड करते हैं ना, तो फ्रेंड्स आपका वीडियो वायरल होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में आप सबको सिखाने वाला हूँ कि आप कुछ इस तरीके का वीडियो कैसे बना सकते हो, वो भी इजी तरीके से। तो फ्रेंड्स अगर आपको कुछ इस तरीके का वीडियो बनाना है तो यार वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आई होप आज का आपको वीडियो पसंद आएगा। एंड इससे पहले फ्रेंड्स अगर अभी तक आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इसी तरीके का ट्रेंडिंग वीडियो का ट्यूटोरियल लेके आता रहता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मैं अपने चैनल पर जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और हाँ गाइस, आप सबसे और एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपका कोई भी सवाल क्वेश्चन होता है या फिर आपको किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका मैसेज रिप्लाई जरूर करूंगा, तो फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके का वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आप रिडायरेक्ट होकर इंस्टाग्राम के इस वीडियो के ऊपर आप इस तरीके से आ जाएंगे। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो के नीचे आपको साउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपका इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको नीचे ऑप्शन मिलता है यूज ऑडियो का, तो गाइस आपको उस ऑप्शन में क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद आपका इस तरीके से कैमरा ओपन होके आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना, आपको साइड में आपको ऑप्शन मिलता है इफेक्ट का, तो आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको सर्च वाले ऑप्शन पर सर्च करना है ओल्ड मैन, इस इफेक्ट को आपको सर्च करना है। और सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट वाले इफेक्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है इस तरीके से, और देख लीजिए गाइस हमारा फेस पर इस तरीके से ओल्ड मैन वाला इफेक्ट लग चुका है। और गाइस आप इस लाइन को ऊपर नीचे करके अपने हिसाब से आप अपने स्किन पर आप इस तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, आपको जितना भी रखना है अपने स्किन पर ओल्ड मैन का जो गाइस इफेक्ट है, तो आप इस तरीके से एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। तो इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको नीचे ऑप्शन मिलता है टाइमर का, तो गाइस आपको टाइमर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो क्लिक कर लीजिएगा टाइमर वाले ऑप्शन पर, क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपके से इसे गाइस कितना एडजस्टमेंट करना है, तो गाइस आपको कुछ इतना इसे एडजस्टमेंट करना है अपने साउंड को, और आपको सेट टाइमर पर क्लिक कर देना है इस तरीके से। सेट टाइमर पर गाइस आप क्लिक कर लीजिएगा, आपका इस तरीके से आपका म्यूजिक सेट हो जाएगा, इतना आपको कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, तो गाइस थोड़ा अजीब लग रहा हूँ यार इस इफेक्ट के ऊपर, तो इतना आपको कर लेना है। और इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको रील्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने वीडियो को आपको शूट करके इसे आपको रिकॉर्ड कर लेना है। तो गाइस सबसे पहले आपको मेरे वीडियो को ध्यान से देखना होगा, अगर आप मेरे वीडियो को ध्यान से नहीं देखें तो फ्रेंड्स आप इस तरीके का वीडियो को नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, एंड उसके बाद अपने वीडियो को अप्लाई कीजिएगा और आप इस तरीके का वीडियो को क्रिएट कीजिएगा। तो सबसे पहले मेरे वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। सो गाइस, तो अपने इफेक्ट को सेट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको रील्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने वीडियो को शूट कर लेना। तो गाइस मैं सबसे पहले अपने वीडियो को शूट कर लेता हूं। सो गाइस, तो हमारा पहला पार्ट यहां पर शूट हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको फिर से इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले इसे कट करना है, कट कर लेते हैं, और आपको कोई और इफेक्ट यहां पर अपने एडजस्टमेंट करना है इफेक्ट को। तो गाइस मैं इसे सेट कर लेता हूं इस इफेक्ट को, इस तरीके से आ चुका गाइस हमारा इफेक्ट, अभी आप देख सकते हैं। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको फिर से टाइमर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और आपको सेट टाइमर पर आपको इसे सेट कर लीजिएगा इस तरीके से, तो आ चुका है। और इसके बाद गाइस आपको क्या करना, आपको फिर से अपने सेकंड पार्ट को शूट कर लेना है, तो हम शूट कर लेते हैं। हमने दोनों पार्ट को यहाँ पर शूट कर लिया, तो फ्रेंड्स हमने दोनों पार्ट को यहाँ पर शूट कर लिया, तो आपको भी शूट करना है। शूट करने के बाद आपको क्या करना, आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने वीडियो को यहाँ से सेव कर लेना है। सेव करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको अपना एप्लीकेशन को ओपन करना है, जो कि गाइस काइन मास्टर एप्लीकेशन है। गाइस तो सबसे पहले आपको अपना काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अगर आपके पास काइन मास्टर एप्लीकेशन नहीं है तो फ्रेंड्स इस एप्लीकेशन का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आपको अपना एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्रिएट न्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको 9:16 वाला रेशियो के ऊपर आपको सिलेक्ट करके आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद आपका इस तरीके से गैलरी ओपन होकर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको गाइस यहाँ पर ब्लैक बैकग्राउंड आपको यहाँ ऐड कर लेना है, फिर आपको कट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद इसके लेंथ को आपको जितने से खींच के बड़ा कर लीजिएगा। फिर गाइस आपको स्टार्टिंग पर आना है और आपको लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करना है और आपने इंस्टाग्राम पर जिस वीडियो को शूट किया था उस वीडियो को आपको ऐड कर लेना है। तो हमारा वीडियो यहाँ पर आ चुका है। तो सबसे पहले आपको साउंड वाले ऑप्शन पर जाके से आप म्यूट कर लीजिएगा और आपको साइन पर टिक करना है। इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, फिर से आपको अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करना है एंड गाइस आपको इस स्क्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपने वीडियो को फुल स्क्रीन में आपको इसे सेट कर लेना है, फिर आपको साइन पर टिक कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको फिर से लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करना है और गाइस आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप उसे जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना, उस वीडियो को आपको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपका इस तरीके से स्क्रीन पर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको नीचे आना होगा, एक आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सट्रैक्ट ऑडियो का, तो आपको उस ऑप्शन में क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपका इस तरीके से आपका साउंड निकल के आ जाएगा और आपको गाइस साइड में एक ऑप्शन मिलता है डिलीट का, तो आपको उस ऑप्शन में क्लिक करके आपको इस वीडियो को डिलीट कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने वीडियो को आप जूम कर लीजिएगा, कुछ इस तरीके से आपको जूम कर लेना है। और जूम करने के बाद आपको क्या करना है, अभी गाइस सबसे पहले आपको उस जगह पर जाना होगा जिस जगह पर अपने फेस को अपने घुमाया था, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो आपको मेरे वीडियो को ध्यान से देखना है। तो गाइस मैंने कुछ इस जगह पर अपने फेस को घुमाया था, तो सेम आपको इसी जगह पर आना है और आपको अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कैंची वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्प्लिट एड प्लेहेड, आपको उस ऑप्शन में क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको इसे दो भाग में आपको कट कर लेना है। और कट करने के बाद आपको क्या करना है, अब गाइस आपको क्या करना है, आपको अपने सेकंड पार्ट के ऊपर क्लिक करके इस तरफ आपको आना होगा। इसके बाद गाइस अपने आप सेकंड पार्ट पर अपने इफेक्ट को चेंज करके अपने जिस जगह पर अपने फेस को घुमाया था आपको उस जगह पर आ जाना, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो गाइस मैंने कुछ इस जगह पर अपने इफेक्ट को चेंज करके अपने फेस को मैंने इस तरफ घुमाया था, तो सेम आपको इसी जगह पर आना है और आपको इस कैंची को ऑप्शन पर क्लिक करके आपको इसे करना है ट्रिम टू लैपटॉप प्लेड इस तरीके से। इसके आगे का जो गाइस आपका फालतू पार्ट है उसे आपको कट कर लेना है, कट कर लीजिएगा। और कट करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए गाइस हमारा जो यहाँ गाइस हमारा जो साउंड का बीट है वो गाइस इस जगह पर है एंड गाइस हमारा वीडियो छोटा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो के ऊपर क्लिक करना है फर्स्ट वाले वीडियो के ऊपर एंड आपको नीचे आना होगा, नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा स्पीड का, तो आपको स्पीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको गाइस आपको स्लो में हल्का ऐड कर लेना है इस तरीके से, कुछ आप इतना इसे ऐड कर लीजिएगा स्लोमो में, कुछ इस तरीके से, कुछ इतना। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने सेकंड पार्ट के ऊपर क्लिक करके रखना है एंड गाइस आपको इसे खिसका के इस तरीके से इसे आप कुछ इतना इस जगह पर आप लेके आ जाइएगा, आपको मैं दिखाता हूँ। आपको सही तरीके से एडजस्टमेंट करना है कुछ इस जगह पर, तो देख लीजिए गाइस इस तरीके से, और इस तरीके से गाइस आपका आ जाएगा, आपको मैं दिखा देता हूँ। सो गाइस आपने देखा कि हमारा वीडियो यहाँ पर सही तरीके से एडजस्टमेंट हो चुका है। तो फ्रेंड्स अगर आपका सही तरीके से एडजस्टमेंट नहीं होता तो गाइस आप आगे पीछे करके अपने एडजस्टमेंट कर लीजिएगा और देख लीजिए गाइस हमारा साउंड यहाँ पर इतना लंबा है एंड गाइस हमारा वीडियो ज़्यादा छोटा हो चुका है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करना है एंड स्पीड वाले ऑप्शन पर जाके गाइस आप इसको भी हल्का स्लोमो में ऐड कर लीजिएगा इस तरीके से, कुछ इतना तक बस, और आपको साइन पर टिक कर लेना है। और यहाँ पर गाइस हमारा वीडियो खत्म हो रहा, तो आपको इस जगह पर आना है इसके एंड पार्ट में। और गाइस आपको क्या करना है, आपको इस बैकग्राउंड को ऑप्शन पर क्लिक करके कैंची को ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड आपको ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसका गाइस पीछे का फालतू पार्ट को आपको कट कर लेना है। और देख लीजिए फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर वीडियो बनके तैयार हो चुका है। तो अभी इसे मैं एक बार आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि हमारा वीडियो किस तरीके से बनके तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमारा वीडियो किस तरीके से बनके तैयार हुआ है, तो आप भी अपना खुद का इस तरीके का वीडियो बना सकते हैं। तो आई होप आज का आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आज का आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इसी तरीके का वीडियो का ट्यूटोरियल लेके आता रहता हूँ। तो अब आपको क्या करना है, अपने वीडियो को सेव करने के लिए आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आपको अपना क्वालिटी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद गाइस आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।